बच्चों बोर्ड एग्जाम डेट शीट तो निकल चुका है, लेकिन उसके साथ में कई स्टूडेंट्स जो हैं, लाखों स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 10 12th के, वो बड़े परेशान हैं इस वक्त। वाई? दो रीजन से। एक तो जो कुछ खास एंट्रेंस एग्जाम्स है, जैसे कि जेई मेंस का जो फर्स्ट सेशन एग्जाम हो रहा है जनवरी 24 से 31 जनवरी के बीच में, एक तो उसके वजह से, दूसरे कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लैश कर रहे हैं या उनको बहुत कम समय मिल रहा है एग्जाम के बीच में प्रिपरेशन करने का। डेफिनेटली रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली वेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, या अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें जैसे कि जेई मेंस, तो भाई उसमें रिवीजन की जरूरत होती है हर एक स्टूडेंट को। और यहां पे अभी एक बड़ा सवाल उठ गया है, सीबीएसई ने अभी एक हाल फिलहाल में एक बड़ा अपडेट किया था, ये देख सकते हो सर्कुलर एंड डेट शीट फॉर मेन एग्जाम फॉर क्लास 12 डेट अपडेट, एक अपने डेट शीट में क्या था। तो अब जो देश भर से डिफरेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, दे ऑल आर रेजिंग दिस वॉइस कि भाई हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सपोर्ट किया जा सकता है। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल चैनल, हम भी अपनी तरफ से ये बात उठा रहे हैं कि बच्चों को मदद मिलनी ही चाहिए। और इसके लिए भाई मैं आपको बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम सारे अपडेट्स आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र एंड गरुड़ा 2.0 सीरीज बैक शुरू हो चुका है फॉर क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स, चाहे फिर वो एमसीक्यू हो, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, केस स्टडी, एसेशन रीजनिंग, सब टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ज्वाइन अवर बैच। अब देखो अभी का सिनेरियो क्या है, पहले मैं आपको यहां पर दो चीजें दिखा दूं। यहां मुद्दा दो मामला है, दो चीजों का है। एक, जेई मेंस एग्जाम्स के डेट भी बड़े क्लैश कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम से। दूसरा, आपके एग्जाम डेट शीट में बहुत कम समय बचा है, जैसे कि समय बचा है इन द सेंस कि समय मिला है फॉर रिविजन, जैसे कि 10th का हिंदी और एसएससी के पेपर में बहुत कम समय मिला हुआ है, और हिंदी क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है तो बहुत मायने रखता है। और वहीं दूसरा, जेई मेंस का भी देखो यहां पर है। जेई का लेकर के तो स्टूडेंट्स ने कैंपेन रन कर दिया है ट्विटर पर, आपको एक 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 आपको बता दे रहा हूं, यहां पे एक पढ़ के सुना रहा हूं। देखो हाउ एनटीए, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं एनटीए को कि हाउ एनटीए इज सो केयरलेस इन अनाउंसिंग द डेट्स ऑफ वन ऑफ द मेन एग्जाम्स इन द कंट्री बिफोर, जस्ट बिफोर 40 डेज। बताओ, ऐसा ही सीबीएसई ने किया, ऐसा ही एनटीए ने किया। एनटीए ने क्या किया, 40 दिन 50 दिन पहले निकाल दिया डेट शीट, एग्जाम डेट्स अनाउंस कर दिया जेई मेन सेशन 1 का। और वैसा ही किया सीबीएसई ने भी कि लगभग 45-50 दिन पहले डेट शीट को अनाउंस कर दिया, जबकि वो डेट शीट जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट किया जाना चाहिए था, ये हम सभी मान रहे हैं। और अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है, टीचर्स कह रहे हैं वेल प्लान्ड है डेट शीट, लेकिन लेस टाइम गैप मिल रहा है बिटवीन सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको कुछ प्रिंसिपल के, कुछ टीचर्स के, मैं आपको स्टेटमेंट यहां पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं, यहां आप इसे देखो और समझो बात को, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, एमए अनीता वाइस प्रिंसिपल जैन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल बेंगलुरु, यहां पे देखो ये क्या कह रही हैं, इनका क्या कहना है कि भाई शेड्यूल जो है वो वेल प्लान्ड है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, इश्यूज है, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया क्लास 10 हिंदी पेपर का कि ये मेजर सब्जेक्ट है, थोड़ा गैप ज्यादा दिया जा सकता था, अ मोर लिटिल गैप कुड हैव बीन गिवन। इसी तरह से क्लास 12 मार्केटिंग इज इमीडिएटली आफ्टर इंग्लिश, क्लास 12 का मार्केटिंग जो है वो जस्ट इमीडिएटली पढ़ रहा है इंग्लिश के बाद में, तो ये भी इशू क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भाई अपडेटेड डेट शीट सीबीएसई को लॉन्च करना चाहिए। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर बताना। इस जगह पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आप सभी स्टूडेंट के लिए, स्पेशली फॉर दोस्ट हु आर इन क्लास 12, या अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हो, आने वाले समय में आप क्लैट एग्जाम्स को वाले हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, तो भाई इस नए साल पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू गोल। यानी कि भाई अगर इस वक्त आप अनअकैडमी के क्लैट सब्सक्रिप्शन को लेते हो, किसी भी बैचेस कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन को बाय करते हो, तो यूज माई कोड, रेफरल कोड विशाल केयर, इस कोड को यूज करते ही जो पहले आपको 10% डिस्काउंट मिलता था ना, अब वो 10% नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगा 23% का डिस्काउंट। इट्स अ ह्यूज ऑफर, राइट? तो आप अभी इस वक्त इस चीज को ले सकते हो, याद रखना ये लिमिटेड ऑफर, टाइम पीरियड ऑफर है ये, तो आपको जल्दी करना है, ठीक है। लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसके थ्रू से जा सकते हो और अपनी तैयारियों को और बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई यहां पे आपको जो ये अनअकैडमी क्लैट सब्सक्रिप्शन को आप लेते हो तो आपको ढेरों ऑफर्स भी मिलते हैं। आपको मिलते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड बैचेस एंड कोर्सेज, कंप्रिहेंसिव नोट्स एंड पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा, लाइव मेंटरशिप मिलेगा, मतलब यार बहुत बड़ी चीज है। सो
जिस लिंक को मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू से आप कर लेना और यूज कर लेना मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को टू अवेल 23% ऑफ। ठीक है, और अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और स्कूल की प्रिंसिपल जो है, वाइस प्रिंसिपल मीना मित्तल मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग, इनका क्या कहना है कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये डेटशीट कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ा करेगा। माइट सीम स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। कई कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स टकरा रहे हैं या उनको बहुत थोड़ा सा गैप मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अपियरिंग फॉर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो कि 23 तारीख को पढ़ रहा है, उनको फिर एग्जाम देना है बिजनेस स्टडीज का जो कि एक थियोरेटिकल और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनका पेपर बिजनेस स्टडीज का पेपर कब पढ़ रहा है 25 तारीख का, यानी कि गैप ऑफ जस्ट वन डे। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मेंटली जो है वो उनको इश्यू क्रिएट होता है, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जैसा मैंने कहा, यहां देखो जेई मेंस में भी यही इशू क्रिएट हुआ है कि वहां भी डिमांड खड़ा हो गया है #JEE After Boards Trends on Twitter। ये ट्रेंड कर रहा है इस वक्त कि जेई मेन जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को या तो बोर्ड एग्जाम के बाद में रखना चाहिए। अब देखो भाई, यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने सोच के साथ में आ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई जेई जैसा एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये कहना कोई भी टीचर, बहुत सारे टीचर ऐसा ज्ञान देते हैं कि भाई पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए था, पहले से फोकस रहना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी, सब कुछ आई एग्री, लेकिन रिविजन इज वेरी मच मस्ट। तो आई थिंक सीबीएसई को यहां पे सामने से आना चाहिए और आ करके उन्हें एक थोड़ा सा जहां जहां वो चेंज कर सकते हैं, डेटशीट इज वेरी मच गुड नो डाउट, लेकिन थोड़े से गैप्स को बढ़ाया जा सके तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी। जैसे कि यहां पर क्लास टेंथ वालों की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश और साइंस में 4 दिन का गैप मिला है, लेकिन साइंस और जिन बच्चों ने आईटी रखा है तो साइंस और आईटी के बीच में 8 दिन का गैप मिल रहा है, लेकिन आईटी और एसएसटी के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप मिल रहा है। वहीं एसएसटी और हिंदी के बीच में भी सिर्फ 1 दिन का गैप, और क्योंकि हिंदी और एसएसटी दोनों मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो मेरे ख्याल से रिविजन की जरूरत पड़ेगी बच्चों को। यह कहना बेकार है कि पहले से। सो प्लीज अगर सीबीएसई ऐसा कुछ कर सके, आप लोग प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन, और हम भी अपने तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हम तैयारी नहीं छोड़ेंगे बच्चों, और इसलिए हम फुल फ्लेज वे में तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की। ब्रह्मास्त्र एंड गरुड़ा 2.0 सीरीज बैच शुरू हो चुका है क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स, जिसमें हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को भी और साथ ही साथ स्टडी विद विशाल सर को भी। ठीक है, और यहां देखो हम आपको किस तरह के वीडियोज आपको दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिकल वीडियोज हम आपको दे रहे हैं स्टडी विद विशाल सर में। सो प्लीज यार, वाई टू मिस दिस वीडियोस, इन वीडियोस को जरूर देखो, शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी ये सारी बातें, सारी चीजें निकल करके सामने आएंगे। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या कहते हो, क्या थोड़े से गैप्स बढ़ा देने चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।